हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी फूड। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी बताने जा रही हूँ, बैगन फ्राई, ब्रिंजल फ्राई। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने 500 ग्राम्स बैगन को लिया है, ब्रिंजल को। इसे पहले हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कट करना है हमें, लंबे लंबे पीसेस में हम इसे कट करेंगे। देखिए इस तरह, देखिए इस तरह के पीसेस में हमें सभी बैगनों को कट कर देना है। मैंने सभी बैगने कट कर लिया है। मैंने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के इसे भिगो के रखा है और लंबे पीसेस में कट कर लिया है। चलिए इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। ऑयल अच्छा से गर्म होने के बाद हम इसमें बैगन को ऐड करेंगे। देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें बैगन को हमने जो काट के रखा है उसे ऐड कर देंगे। अब इसे ऑयल से अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ा सा फैला के इसे ढक कर रख देंगे। जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए हम इसे ढक कर पकाना है। देखिए मैंने इसे ढक लिया है। अब हम इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। चलिए देखते हैं कि हमारे बैगन सॉफ्ट हुए या नहीं। देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे जब तक अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम इसे बिना ढके हुए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है इसे। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने स्वाद अनुसार इसमें डाल सकते हैं। मैंने हाफ टी स्पून डाला है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। अच्छे से सॉफ्ट हो जाने तक हम इसे फ्राई करना है। देखिए दोस्तों हमारे बैगन अच्छे से सॉफ्ट हो गए। इसे ज्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। अब हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे, लहसुन को दो क्रश किए हुए। अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। बैगन को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, अगर ज्यादा फ्राई करेंगे तो ये ड्राई हो जाएंगे। हमें सिर्फ थोड़ा सॉफ्ट होने तक ही इसे फ्राई करना है। देखिए दोस्तों हमारे बैगन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें मसाला मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मसाला मिर्च पाउडर जो मैंने घर में बना के रखा है, थोड़े से दलिया और लहसुन लाल मिर्च पाउडर में डाल के मैंने इसे ब्लेंड करके अच्छे से पाउडर बना लिया है। ये पाउडर बहुत ही टेस्टी रहेगा फ्राई में। उसे ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे।
देखिए हमारा बैगन फ्राई रेडी हो चुका है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा बैगन फ्राई रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी रहेगा, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरे वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और मेरे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।